यदि 10 रुपये में 11 मीटर के भाव से रस्सी खरीदी जाए और 11 रुपये में 10 मीटर के भाव से बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बहुत खास क्वेश्चन है, समझ लो पेपर में पक्का है, आना ही आना है इसने। अब यहाँ पे देखो जरा कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे हम इसको भी। देखो क्या बोलना चाह रहा हो कि 10 रुपये में 11 मीटर के भाव से रस्सी खरीदी जाए, मतलब 10 रुपये में क्या है 11 मीटर रस्सी आती है, ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10 रुपये में जो रस्सी खरीदी जाती है वो 11 मीटर रस्सी खरीदी जाती है। फिर जब वही क्या कर, दुकानदार भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है, फिर वो क्या करता है कि 11 रुपये में क्या कर देता है 10 मीटर के भाव से बेच देता है कि 11 रुपये में जो है 10 मीटर रस्सी बेचता है। तो अब रस्सी हो चाहे कितनी बेचे तो उसका जो है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ का परसेंट बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रिक से, ध्यान देना यहाँ पर ट्रिक को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रिक पता है पर फिर भी उस ट्रिक को गलत तरीके से यूज करता है, आंसर कुछ का कुछ हो जाता है। सबसे पहली बात आपने क्या करना है कि आप लोग जो है भाव या फिर भाव को दर भी लिख सकता है, भाव या दर लिखोगे पहले, और जो रुपए होगा ना, जो रुपए होगा रुपए आएगा आपका बाद में, दर पहले आएगा रुपए बाद में आएगा, पहले तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, रुपए पहले लिख देते हैं दर बाद में, वो भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 10 रुपये में, तो रुपये तो है 10, 11 मीटर के भाव से रस्सी कर दो, दर कितनी है 11, तो रुपए में 10 लिख, जितने रुपए उतने लिख दो और जो क्या कहता है आपका भाव है या दर है वो इधर लिख दो। और 11 रुपए में 10 मीटर के भाव से बेची जाती है, फिर रुपए कितने आ रहे 11, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा और मीटर भाव क्या है, भाव कितना है 10, तो भाव आपका इधर आ जाएगा। मतलब भाव के साथ दोनों भाव या दर लिख दोगे और रुपये के साथ दोनों रुपये लिख दोगे, इधर वाला भी और इधर वाला भी, ऐसे करके। अब इसको क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इधर। तो यहाँ पे देखना एरो लगाया हुआ मैंने, जो ये एरो वाला होगा ये वाला पहले आएगा, एरो वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। देखो कैसे 11 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का 121, फिर माइनस करोगे 10 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 10 दाम 100, और अपॉन में आएगा आपका क्या, अपॉन में हमेशा यही नंबर आएगा जो पीछे वाला नंबर होगा, ये जो माइनस वाला नंबर है यही अपॉन में आएगा, और 100 से हमेशा मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। अब देखो हो गया, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन, 121 में से 100 गया तो कितना बचेगा 21, और बटे 100 और गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा उसका 21% क्या हो जाएगा लाभ। अगर ये माइनस में होता तो 21% की हानि होती, और माइनस में नहीं है तो क्या हो 21% का लाभ। तो 10% लाभ, 10% हानि, 21% हानि, 21% लाभ, तो हमारा 21% लाभ आया, तो ये डी वाला आपका सही आंसर है। समझ गए ना इस चीज़ को। एक क्वेश्चन जरा मैं और करवा रहा हूँ सेम टाइप का, और उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, है ना, ठीक है, जरा देख लेना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन सेम दूंगा, आप जरा करना, 1-2 क्वेश्चन और दूंगा आपको। यदि कोई फल विक्रेता 5 रुपये में 3 के दर से संतरे खरीदता है, 3 के दर से मतलब वही है भाव, मतलब 5 रुपये के वो 3 संतरे खरीदता है, तथा उन्हें 4 रुपये में 2 के दर से बेच देता है, मतलब 4 रुपये में 2 संतरे के हिसाब से बेच देता है, तो उसको लाभ या हानि क्या होगी, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, परसेंट में ही पूछेगा इसको। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, पहले आप क्या लिखोगे, जो दर या भाव होगा वो पहले लिखोगे, तो दर आपका पहले आएगा, और जो रुपये होगा रुपये आपका क्या आएगा बाद में, रुपये आपका पीछे आएगा और दर आपका आगे पहले आएगा। तो देखो रुपये कितने हैं 5, तो रुपये में 5, और दर कितनी है 3, तो दर में 3, यहाँ पर रुपए कितने हैं 4, तो ये 4, और दर कितनी है 2, तो दर में आपका आ गया 2। अब आपको सॉल्व करना, देखो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन पहली मल्टीप्लाई आपकी ये आएगी, ये वाली जो दर की तरफ को जाएगी, ये पहला होगा, अगर इसको बाद में लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो ये पहले आएगा, है ना, नहीं तो अपॉन में भी फिर वही चले जाएगा जो पीछे होगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो 4 * 3 = 12 माइनस 5 * 2 = 10, और अपॉन में क्या आएगा आपका 12 या 10, 10 जो पीछे वाला नंबर है यही अपॉन में आ जाएगा। देखो अगर आप इसको ऐसे लिखते ना, इसको पहले लिख दोगे और इसको बाद में लिख दोगे, तो बाद में फिर नीचे भी वही जाएगा और बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा आंसर में, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, 12 में से 10 गया कितना बचेगा 2, और बट्टे में क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे गुणा 100, तो आप लोग देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 *
20%। ये देखो इस तरीके से जो है 20% इसका लाभ होगा या हानि, 20% लाभ, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना जरा। इसी टाइप दो क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 25 रुपये में 20 के दर से पेन खरीदता है तथा उन्हें 20 रुपये में 25 के दर से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई फल विक्रेता ने 40 रुपये में 50 के भाव से केले खरीदे तथा उन्हें 40 रुपये में 45 के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, मतलब परसेंट में ही निकालना। ये भी, ये आपके चार ऑप्शन है, तो इनके आंसर आप बताइए फटाफट।